हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं सेट पे आ चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे बताया है कि जो सीन है उसको थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा वो लोग सेटअप कर रहे हैं और, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि व्हाट्स इन माय शूटिंग बैग। मैं क्या क्या लेकर आती हूँ शूटिंग के लिए, क्या क्या जरूरी है वो सब इसमें रहता है। ये बहुत ही हैवी है इस वक्त, लेकिन बहुत ड्यूरेबल है। यू नो, इसमें मैंने इतना सारा सामान डाला है, लेकिन फिर भी, और मुझे बैक पैक्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे ना आपके शोल्डर्स भी पेन नहीं करते, उसमें बहुत सारा सामान इजीली आ जाता है। अदरवाइज पहले मतलब दूसरा एक बैग था, लेकिन वो इतना हैवी रहता था, तो ये क्या दोनों शोल्डर पे आपको आ जाता है इजीली, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये है, और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या क्या रखती हूँ। स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, ये आएगी अम्ब्रेला, बहुत प्रिटी है ये। आजकल बारिश शुरू हो चुकी है तो अम्ब्रेला तो आपके पास होना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक छोटू सा अम्ब्रेला भी है जो समर्स के लिए मैं यूज करती हूँ, इतू सा, वो आराम से बहुत पोर्टेबल है इसलिए। लेकिन अभी बरसातों में क्या होता है ना, बहुत तेज हवा चलती है तो वो सहन नहीं कर पाता है बेचारा, तो मुझे था कि वो टूट जाएगा। इससे अच्छा ये वाला थोड़ा सा ड्यूरेबल रहता है और ये बहुत क्यूट भी है, मेरे बैग पे भी इजीली आ जाता है। ये अब नेक्स्ट है, ये पाउच। इसके अंदर माइक रखती हूँ मैं और एयरपॉड है। माइक मैंने अभी लगाया हुआ है, बाहर थोड़ा सा नॉइजी था तो ये मुझे लगा कि माइक अभी लगा देती हूँ, अदरवाइज टाइम नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा कि आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि फटाफट से बुलाते हैं सेट पे और वो माइक वगैरह कुछ भी लगाने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ये है मेरे एयरपॉड्स। शिट। ओके, चार्जर। मैं ये वाला रखती हूँ जिसमें ड्यूल केबल का ऑप्शन होता है। मेरे पास टैब भी है, मोबाइल भी चार्ज करना रहता है, माइक भी कभी कभी चार्ज करना रहता है, मेरे पास एक छोटू सा फैन है मुझे वो भी चार्ज करना रहता है, और मेरे एयरपॉड है मुझे उनको भी चार्ज करना रहता है, तो बहुत कुछ है। तो इसलिए मैंने सोचा एटलीस्ट इस तरह का एक चार्जर होना चाहिए आपके पास, तो ये है। और ऐसी और भी बहुत सारी केबल्स हैं, कुछ तो यहीं पर पड़ी नहीं है। ये एक और केबल है, ऐसे भी दो तीन केबल्स रखी हैं मैंने। अच्छा, एक शॉल, बिकॉज मुझे बहुत ठंडी लगती है, एसी इतने ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, लेकिन साथ के साथ ऐसा भी है कि एसी ऑन रखना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज आपका सारा मेकअप खराब हो जाता है, गर्मी रहती है बाहर बहुत, तो बहुत, लेकिन एसी से बहुत चिल्ड हो जाता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन शॉल से थोड़ा कोजी कोजी फील आता है, शिमला क्यों ना पहाड़ है तो वो ठंडी वाला फील तो चाहिए, लेकिन शॉल हमेशा मेरे पास रहती है, शूट पे भी और कैसे भी शॉल हमेशा मेरे पास रहती है। ये मेरा मेकअप पाउच है छोटू सा, ये मैं लेकर जाती हूँ सेट पे, और इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, उसका मैं एक दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी। वैसे भी उनका ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, जब तक मेरी फैमिली नहीं आ गई तो मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, दिस इज माई पाउच, मेकअप पाउच। ये एक और पाउच है, ये थोड़ा छोटू है, ये बड़ा है, ये मेकअप पाउच हो गया, और इसके अंदर है मेरा पावर बैंक, एक और चार्जिंग के लिए, और जो ये जो मैंने केबल्स आपको दिखाई, जो चार्जर दिखाया वो भी इसके अंदर रहता है। मुझे अच्छा लगता है सेपरेट सेपरेट सबके पाउचेस रहे, ज्यादा मेसी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरा एक छोटू सा पोर्टेबल स्पीकर है क्योंकि शॉट के बीच में आपको कभी 2-3 घंटे का भी ब्रेक मिल जाता है, कई बार उससे ज्यादा का, कई बार पूरा दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, और कई बार आपको सिर्फ एक सीन होता है लेकिन उसके लिए काफी देर तक वेट करना पड़ता है, तो या तो सो जाओ या कुछ भी टाइम पास के लिए क्या करें। तो मैं क्या करती हूँ, मूवीज
म्यूजिक ये सब कुछ अपने टैब में अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखती हूँ, और स्पीकर को लेकर उसके साथ अटैच करती हूँ और सुनती हूँ मजे से, अच्छे से टाइम पास हो जाता है। टैब एक और छोटू सा पाउच है, इसमें सामान है एंड व्हाट इज माय ये मिनी फैन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है सेट पे, जैसे अभी वो शादी वाला सीक्वेंस था तो उस वाले सेट पे बहुत गर्मी रहती थी, इतनी हालत खराब। और मुझे तो सबसे ज्यादा गर्मी रहती है क्योंकि शायद मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़न हूँ, हम लोग को गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती, सब लोग बोलते रहे तो बहुत गर्मी लगती है, तो मुझे ऐसा कुछ अपने साथ रखना पड़ता है हमेशा। तो ये बहुत कूल है, बहुत अच्छा, तो ये सेट पे मेरे साथ रहता है, आई लव दिस। तो ये एक है, ये मेरा मेट्रो का कार्ड, क्योंकि मैं मेट्रो से ट्रेवल करती हूँ, बहुत इजी रहता है, जल्दी पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक से बच जाते हैं, तो यस मैं मेट्रो से ट्रेवल करती हूँ, इसीलिए मैं ये वाला बैग अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि मुझे उठाना पड़ता है, गाड़ी में यहाँ तक नहीं आ सकते आप, अदरवाइज ट्रैफिक में फंसे रह जाते हो। तो अच्छा मेरे पास ये, मेरे पास ये ईयरफोन भी है, क्योंकि क्या होता है कई बार ही आपका एयरपॉड अगर आपके चार्ज नहीं है, या फिर मुझे ना ये बहुत इजी लगते हैं, वो भी अच्छे हैं, वायरलेस है सब कुछ, लेकिन मुझसे गिर जाते हैं, वो ढंग से फिट नहीं होते, मैंने हर तरह के रखे अपने पास एयरपॉड, तो मुझे ये सबसे कंफर्टेबल लगते हैं, अगर गिर भी जाएंगे तो वो फंसी रह जाती है मोबाइल में तार, तो नीचे नहीं गिर जाएगा, मुझे उसका डर रहता है, एक दो बार मेरे साथ हो चुका है, तो मैं एक ये भी अपने साथ रखती हूँ कि अगर मुझे घर वालों से बात करनी है ट्रैवल करते करते, तो ये बहुत ईजी है। इतना सामान होता है, इतना क्योस होता है, इतनी भीड़ होती है, उन सबके बीच में मैं एयरपोर्ट को संभालती फिरूंगी या ये सब, मुझे पता है कुछ लोग हंसेंगे क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, एयरपोर्ट मेरे कान में टिकते नहीं। अच्छा रबर बैंड वुलन का बहुत अच्छा है, ये हो गई है मेरी दोनों पॉकेट्स में। अच्छा सबसे मेन चीज मेकअप पाउच में अलग अलग तरह के मेरे पास बहुत सारे हैं, आज मैं ये पोटली वाला लेके आई हूँ, क्योंकि ना मैं इसी को खोल के रख देती हूँ, ये निकल जाए, सामान मुझे वैसे निकालना नहीं पड़ता। तो ये एक है पोटली वाला मेकअप पाउच, इसके अंदर बहुत सारा सामान है, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। एक मेरा वाटर बॉटल भी है, लेकिन वो शायद अभी सेट पे रह गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स आई हैव, ये मेरे बस कुछ कैश है, बहुत छोटू सा, क्योंकि मैं ज्यादा कैश यूज नहीं करती हूँ, कितना है 150, क्योंकि क्या है ना अभी जब से गूगल पे और ये सब चला है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मेट्रो का मेरा कार्ड बना हुआ है, घर से घर तक मेट्रो जाती है, तो मैं कैश वैसे भी सेट पे नहीं रखती हूँ, वैसे तो अपना रूम लॉक करके चले जाते हैं बट मैं नहीं रखती, तो इतनी सारी मनी इसी का तो खेल है सारा। चल अब ये हो गया, और ये है मेरा खाली बैग, लेकिन मुझे ये बैग पैक बहुत पसंद है, बहुत पसंद है सच में। अच्छा मेरे सनग्लासेस भी हैं, लेकिन आज मैं नहीं लेके आई क्योंकि अभी बारिश हो रही है और धूप भी नहीं निकल रही है, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, शायद इसलिए मैं नहीं लेकर आई होंगी। तो ये था व्हाट्स इन माय शूटिंग बैग सेशन, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा मुझे, और रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।